आज हम लाए हैं आपके लिए जनरल साइंस का मास्टर वीडियो। इसमें है इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन की कमी से। सेकंड, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर यानी कि रक्त दाब मापी। मनुष्य सुन नहीं सकता, तो इसका आंसर है प्रश्रव्य तरंगे, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। आपको पता होना चाहिए कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं, तो नाइट्रोजन होती है 78% यानी कि 78%, 21% होती है ऑक्सीजन और 0.03% होती है अन्य गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट, जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट जल में स्थायी कठोरता पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब और धूप के चश्मे में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है, पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, तो कर्म से हैं ये डोलोमाइट, लाइटर तथा प्रोनोकाइट। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है, तो इसका आंसर है तांबा और टीन का। सबसे हल्की धातु है लिथियम। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और पेंटेन का। नेक्स्ट है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो इसका आंसर है सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्कोप्टेन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, लोहा निकिल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है, आंसर है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर जिसको टांका बोलते हैं वो मिश्रण है सीसा और टीन का। शुद्धतम सोना जो होता है उसकी शुद्धता होती है 24 कैरेट। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था संश्लिष्ट या संश्लेषित, तो इसका आंसर है नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रोसाइट। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, क्योंकि अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण बल विस्थापन संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है लाल तथा बैंगनी रंग की। लाल रंग की सबसे अधिक और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ हैं स्टील। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे कठोर धातु हैं प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 740 वॉट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है, तो यह क्वार्क।
लेंस की समता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा सीसा तथा टीन का। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। जल का सर्वाधिक रूप होता है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि यानी कि कीड़ा होता है टेपवर्म जो मनुष्य की आत्म में। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की होती है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम। ऊंट का गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भ यानी कि गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग हमारे पैतृक से मैच करती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी यानी कि विटामिन सी मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। मेंढक की हड्डी में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। अनुवंशिक के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर जोन मेंडल। किसान का परम सहायक या परम मित्र होता है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है फल है ऑर्किडस तथा पुष्प है रिफ्लेसिया। स्तंभ कंद घन कंद और स्कल कंद तथा परकंद का उदाहरण है आलू केसर प्याज तथा अदरक। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं वर्णांधता तथा हिमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू अदरक और प्याज। लोहे यानी कि लोह आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5.6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी कि 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी।
शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जांग की। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करती है किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में ट्रेकोमा तथा ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तारों के टिपटिपाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। हीरे का चमकना मृच्छिका घटना यानी कि मृच्छिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120-80। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन के द्वारा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 डेज। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं ओ तथा ए बी। ओ सर्वदाता और ए बी होता है सर्वग्राही। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206।